कान्हा जी हो और हम वहाँ पे ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। दिस इज जयसियालिया। टाइम हो रहा है सुबह के 3:30। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं तो सोया नहीं हूँ, रात के 2 बजे घर पे आया, 2:30 बजे तक नहा के फ्रेश हुए, बाद में वीडियो एडिटिंग किया, तो ऐसे ही 2:45 हो गए और अभी गांव जाना है तो रेडी भी हो चुके हैं। बैक पैक वगैरह सब कुछ यहाँ पे पैक हो चुका है, हम भी रेडी हो चुके हैं। तो ऑटो भी हमारे लिए मतलब बुक ही है ऑलरेडी, जो स्पर्श और स्नेह है उनके पापा की रिक्शा है, तो वही हमें ड्रॉप करने के लिए आने वाला है स्टेशन तक। सुबह के 3:30 बज रहे थे, मम्मी यहाँ पे मस्त मंदिर पे पूजा वगैरह कर रहे थे, तो मैं भी साथ में ज्वाइन हो गया और मस्त भगवान जी को प्रे वगैरह कर दिया। रेडी हो चुके हैं और अभी निकल रहे हैं जस्ट, और रिक्शा भी आ चुकी है तो कोई टेंशन है नहीं। मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी सब सो रहे होंगे और मैं इसे जोर से बोल के व्लॉगिंग नहीं कर सकता। की बात करें मस्त कम्फर्ट जोन में, मस्त ट्रैक पैंट टी शर्ट और मस्त अपने स्लीपर, एकदम कम्फर्ट जोन वाला ट्रैवलिंग के टाइम पे। रिक्शा आ चुकी है, लेट्स गो। तो आज स्टेशन पे आके पहले पियेंगे चाय। हमारी बस भी आ चुकी थी तो हम सभी लोग अपने अपने सीट वगैरह लेते और मस्त आराम से सो जाते हैं, बिकॉज अभी तो सुबह के 4 बज रहे थे। ठीक से सुबह भी नहीं हुई और हम यहाँ पे हमारा पहला ब्रेक लेने के लिए रुक चुके हैं और यहाँ से मस्त सूर्य देवता निकल रहे हैं। तो आपको मस्त शॉट्स दिखाता हूँ। तो अभी सुबह ठीक से हुई नहीं है बट हम रेस्टोरेंट पे रुक चुके हैं। अभी कितने बजे मालूम है? सुबह के ऑलमोस्ट 5:05, एग्जैक्ट 5 मिनट बाकी है 7 बजने में। हमारी वाली बस है वो पीछे वाली, जो कि मेरी बगल वाली सीट में कोई है नहीं, तो मैं मस्त एकदम फैल के सो रहा हूँ, क्योंकि पूरा एकदम समझ रहे हो घर जैसा माहौल बना। एक पिलो नहीं है मेरे पास और एक ब्लैंकेट नहीं है, बस बाकी घर जैसा माहौल है। बाद में मस्त चाय कॉफ़ी एंड खारी वगैरह लेके हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ऐसे ऐसे बस में ट्रैवल करते करते हम लिमिडी तक पहुंच जाते हैं। तो अभी 12:30 हुए, जस्ट यहाँ पे अभी ड्रॉप किया है बस ने हमने, और वहाँ पे मम्मी और बाबू दोनों जा रहे हैं बिकॉज उनका फास्ट है, तो अभी खाना खाने के लिए नहीं आएंगे तो वहाँ पे ही बैठेंगे, और जो रेस्टोरेंट है ना उसके बगल में। तो दादा वहाँ पे वो बैग्स वगैरह ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं और हम यहाँ से जाएंगे पेट पूजा करने के लिए। और मैं तो मस्त 60-70 किलोमीटर था तब से सो गया था, तब यहाँ पे रोड का काम मतलब चालू है, अभी हाईवे बन रहा है। ये वाला है अहमदाबाद राजकोट वाला हाईवे, देखो सामने वो ब्रिज दिख रहा है, तो वाला आधा हाईवे बन चुका है, यहाँ से आधा बाकी ऐसा सब कुछ है सीन। लंच वगैरह हो चुका है, दादा मेरे पीछे आ रहे और बाकी सब गिरने वाला था, बाकी सब उधर जा रहे हैं। भाई धूप में क्यों चले, छाँव में चलते हैं ना। अभी पूरा 1.5 किलोमीटर चल के जाना है, 1.5 किलोमीटर तक हम आए थे रेस्टोरेंट में, अभी वापस जाएंगे यहाँ से। पेट पूजा वगैरह हो चुका था, अभी था हमारे घर पे जाने का टाइम, बट हमारे गांव में ऐसे मतलब व्हीकल्स आते जाते कम रहते थोड़े से, तो पल्लू को हम कॉल करते हैं और वो हमें इको लेके हमारे गांव तक छोड़ने के लिए आता है। मस्त नज़ारे देखते देखते हम हमारे गांव तक पहुंच जाते हैं। पहुंच चुके हैं घर पर और दर्शन वगैरह करते हैं। मंदिर पे दर्शन वगैरह करने के बाद हम मस्त गांव में ऐसे ही घूम रहे थे और मस्त मेमोरीज क्लिक कर रहे थे फोन में। सो अभी आए गांव में मस्त राउंड लगाने के लिए और यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर पे पहले दर्शन करने जाएंगे, जो कि आपको जो अंदर रणछोड़ राय जी की मूर्ति है, जय द्वारकाधीश देखो सामने लिखा हुआ है ना, तो द्वारका में जो भी कृष्ण भगवान है ना वही सेम टू सेम यहाँ पर है। सो हाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं हम। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है आप देख सकते हो, बट फिर भी हम अभी दर्शन करने के लिए जाएंगे बिकॉज कान्हा जी हो और हम वहाँ पर ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। सो देखो है ना सेम टू सेम मूर्ति रणछोड़ राय जी की,
बोलो राधे राधे। नवरात्रि वगैरह चल रही है तो यहाँ पे बच्चे मस्त नाग देवता की मूर्ति जैसा बना के आते हैं, गाना वगैरह गाते हैं और लोग उनको चॉकलेट पैसे और अनाज वगैरह देते हैं। रात को जो भी माताजी के निवेद वगैरह करने थे, हवन वगैरह करने थे, वो सब करते हैं और दर्शन वगैरह करते हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के मस्त नहाने के लिए जाना था तो मस्त नर्मदा नहर तक नहाने के लिए जाना था तो वहाँ पे चल के जाते। यहाँ पे जो सब दिख रहा है, पहले सब पेड़ पौधे नहीं थे, अब यहाँ पे सारी जगह पे झाड़ियाँ लग गई है तो पानी मतलब थोड़ा कम दिख रहा है, और यहाँ पे मस्त पानी बह रहा है, पूरा नर्मदा नहर का पानी है। मुझे अभी ब्रश भी करना है, ये नहाने के लिए कैसे मग तो मग्गा बोलते ऐसा तो नहीं मिला, तो ऐसा कुछ लेके आ गए हम, और टावल वगैरह तो है ही हमारे पास, सभी नहाते वाते हैं। इसमें पापा पता नहीं किधर गए, पहले उधर थे अभी उधर गए थे, अभी पता नहीं, ब्रश करते करते पता नहीं किधर टहलने निकल गए। घर पे आके मस्त कपड़े वगैरह चेंज करते, पहले जाके मंदिर में दर्शन वगैरह करते, उसके बाद जो आज प्रसाद का काम था वो सारा काम स्टार्ट करते थे। गाइस सारा काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे अष्टमी थी, नवमी है, नवरात्रि चल रहे हैं ना, इसीलिए तो अष्टमी के दिन निवेद वगैरह होते हैं, प्रसाद वगैरह जो कल दिखाया था, और आज के दिन जो हम पूरी वगैरह बना रहे थे वो सबकी मन्नत वगैरह होती है, उसकी प्रसाद होती है, तो वो सब बनाना था। तो अभी सबका आ रहा सारा काम कम्प्लीट, अभी जाके मस्त आराम करेंगे, लंच वगैरह किया नहीं, प्रसाद ली तो उतने में पेट फूल था, खाने का मन था नहीं, इन सब ने खाना खा लिया है, हम ही बाकी थे। अभी सभी लोग सामने खड़े हैं मंदिर के सामने। के टाइम पे मैं और संजय भाई गांव में आते हैं, क्योंकि हमें पानी पूरी खानी थी तो हम पानी पूरी का पार्सल वगैरह लेने आते हैं, वो खाना वगैरह खा के अभी को वापस सूरत जाना था, तो बैकपैक वगैरह करके अभी फ्री थे, तो हमने दो दिन से गरबा नहीं किए थे तो यहाँ पे घर पे ही हमने गरबा स्टार्ट कर दिया था, और गरबा के बाद हमने जो थोड़ी बहुत मस्ती की वो भी अभी आप सीन देखोगे, तो कॉमेंट में बताना आपको कैसा लगा। डांस वगैरह करके हम मस्त जाने के लिए रेडी थे, बट ये रहे हमारे फैमिली मेंबर जो मेरी वीडियो देख के क्या कहते वो सुनो। आओ 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 जीवन फोन में तो ये सब हमारी वीडियो देखते और बताते कि आप लोग क्या करते हो, सब हम देखते ऐसा बोल रहे थे। सो गाइस ये है बस स्टेशन लिमड़ी का, और पूरा इतना वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा बस स्टेशन है, पर मतलब है ना बस स्टेशन की हालत थोड़ी सी तगड़ी कर रखी है यहाँ के लोगों ने, जहाँ तहाँ कचरा फेंका हुआ है, और यहाँ पे जस्ट पीछे डेपो तो बहुत बड़ा बस स्टेशन है, 15 से ज़्यादा तो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारी बसेस मिल जाती है इस तरफ की, बट वही कि लोग नहीं समझते, तो पेट्रोल पम्प बोलने वाला था मैं, बस स्टेशन की हालत एकदम ख़राब करके रख दी है अच्छे खासे बस स्टेशन की। बट हाँ हमारी बस है रात को, स्लीपर बस हमारी है, बस आने वाली ऑलमोस्ट 10:15-10:30 के आसपास। उसके बाद हम आइसक्रीम कोन और कैंडी वगैरह बाय करते हैं, उसमें से मैं पारुल मुझे आइसक्रीम देती है और बोलती है कि ऊपर का जो आइसक्रीम है वो खा जा, बिकॉज उसको वो पसंद नहीं था, तो भाई उसमें तो मेरा ही फायदा था, आइसक्रीम खाने के लिए मिल रही थी। उसके बाद पूरी रात ट्रैवल करने के बाद दूसरे दिन हम सुबह सूरत आ जाते हैं, और यहाँ पे और दशहरा था तो मस्त जलेबी फाफड़ा वगैरह खाया, और रात को मस्त आज भी गरबा वगैरह खेले थे हम लोग।
के 1:30 बजे तक हमारी सारी मंडली यहाँ पे बैठती है और लाइट भी चली गई थी। बाद में हम यहाँ पे लोचो वगैरह खाते हैं और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। सिर्फ कौन सी दिक्कत है, एक पिलो नहीं